हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिटनेस ट्रिक। आज ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हम आपको प्लैंक पोस्चर और वेरिएशन के बारे में बताने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको प्लैंक करने में हेल्पफुल रहेगी। ये बात करते हैं प्लैंक करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम प्लैंक पोस्चर के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग प्लैंक करते वक्त अपनी बॉडी को ज़्यादा ऊपर उठा लेते हैं, कुछ बिल्कुल नीचे टिका लेते हैं, लेकिन प्लैंक करते वक्त हमें हल्की सी अपनी बैक को ऊपर रखना होता है, एब्स को स्क्वीज करके रखना होता है। यही सही तरीक पोस्चर है। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ शोल्डर्स की। बहुत से लोग शोल्डर को अपना बिल्कुल डाउन रखते हैं, ये प्लैंक करने का बिल्कुल सही तरीका नहीं है। अपने शोल्डर को हमें ऊपर की तरफ खींच के रखना चाहिए। और अब हम बात करते हैं नेक और शोल्डर पोजीशन की। नेक को हमें सीधा रखना चाहिए, नजरें ज़मीन की तरफ गड़ा के रखनी चाहिए और हाथों को शोल्डर साइज जितना खोल के रखना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह। सबसे पहले आपको नेक को नीचे करना, फिर शोल्डर को ऊपर उठाना, फिर बैक को थोड़ा ऊपर उठाना है। ये तो रही पोस्चर की बात। अब हम बात करते हैं प्लैंक वेरिएशन की। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वीडियो में पहला वेरिएशन आप ऐसे कर सकते हैं, अपने पैर को पीछे ले जा सकते हैं। और अब हम दूसरे वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले आपको पुशअप पोजीशन में आना है और फिर सीधे हाथ करके अपने पैर को पीछे लेकर जाना है, जिससे आपके एब्स पर और भी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट वेरिएशन पर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको प्लैंक पोजीशन में ही रहना है और अपने नी से एल्बो को टच करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।